अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग के साथ मैं ये व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि चेरी जो है वो 3-4 दिन से काफ़ी बीमार हुई थी। तो हम जो है वो माय पेट हॉस्पिटल आए हुए हैं उसको लेकर, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीवर में है और इन्फेक्शन हुआ है उसको, और एयर माइस हुए हैं। तो अब पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो बेचारी बीमार हुई थी और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है। हम लोग हम खुद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है कि किसी तरीके से जो है अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो जाए और वो बिल्कुल सही हो जाए। तो यहाँ पर जो है माय पेट हॉस्पिटल आए हुए थे, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक आपको अंदर से थोड़ा सा इनकी जो एसेसरीज़ है गैट्स की यहाँ पर प्रोवाइड हैं तो आप सबको वो भी दिखा दूँ, और साथ साथ दिखाती भी चलूँ और बताती भी चलूँ कि चेरी की तबीयत जो है वो ख़राब है। आप तमाम लोगों से जो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ प्रे फॉर चेरी, स्पेशली जो जो पेट लवर्स हैं तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए जल्द अज़ जल्द। आज मुझे जो है वो 4 दिन हो गए हैं चेरी के साथ इस तरह से स्ट्रगल करते हुए। उसको मेडिसिन भी लग रही है, ड्रिप्स भी लगी हैं कल। तो ये डे 1 है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर, और डॉक्टर्स ने कहा है कि काफ़ी जो है वो इन्फेक्शन हुआ है इसके कान में, एयर माइट्स हुए हुए हैं और फीवर जो है वो फर्स्ट डे तो जब मैं इसको लेके गई थी तो फर्स्ट डे फीवर जो था इसको 107 यानी 107 बुखार था। तो आप सोचें कि 107 के बुखार में बहुत मुश्किल होता है स्ट्रगल करना, सर्वाइव करना। फिर भी बेचारी जो है वो किचन है छोटी सी, वो बड़ी मुश्किल हो रही है उसके लिए। हमने अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो है वो कंसल्ट किया कि भाई इधर उधर नहीं लेके जाएँ, हम डायरेक्ट जो है उसको लेके जाएँ हॉस्पिटल, ताकि जो है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए उसका और उसको अच्छे से अच्छा जो है वो डॉक्टर प्रोवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया, तो डॉक्टर से जो चेकिंग करना शुरू करी है। तो काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं यहाँ पर, और लेकिन जब उसको चेक कर रहे हैं तो इसका जो एग्रेसिव बॉडी थी बहुत ज़्यादा इसने शॉक करा, बहुत चीख पुकार मचा के रखी थी कान के अंदर जो है इसके, बहुत ज़्यादा एयर माइट्स हुए हुए थे। ये देखें आप कितने ज़्यादा हुए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। जब इसको हटाया है तमाम जो है सफाई करी है, फीवर चेक हुआ है, तो जब कानों की कंप्लीट जो है हमने इनकी सफाई करवाई है तो पता चला है कि इसको जो है वो अंदर से स्किन वगैरह भी इसकी जो है वो उतरी हुई है। और इसका जो चिल्लाना तना अगर मैं आपको वॉइस अगर ऑन करके दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाना था इसका। फर्स्ट डे ही इसको जो है वो इतने इन्फेक्शन लगे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी। लास्ट में इसका वेट जो है वो चेक हुआ था और वेट भी काफ़ी कम हो रहा है इसका अचानक से, क्योंकि ये सही से खा पी गई है इस वजह से। तो बस दुआ कीजिए, आप सबसे यही बोलना था कि आप सबके पास भी पैट्स होंगे तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ये चेरी भी ठीक हो जाए। यहाँ पर डे 1 का ट्रीटमेंट जो हमारा कम्प्लीट हुआ, हम आज डे 2 अगेन जो है वो आ गए हॉस्पिटल लेके इसको। आज जो है वो 2 दिन बाद जो है मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2 दिन का ब्लॉग बनाया नहीं, मैं टोटल 4 दिन जो है वो गई हूँ डॉक्टर के यहाँ। मैंने जो है मेडिसिन जो है उन्होंने प्रोवाइड कर लिया, उन्होंने बताया बस आप जो है वो भी देखने घर पर उसको मेडिसिन दें और फिर जो है वो बताइएगा कि इसकी क्या पोजिशन है। तो आज डे 2 था तो इसकी थोड़ी सी जो है वो ग्रूमिंग भी हो रही थी और हेयर कट हो रहे थे, यानी कि वहाँ से हेयर ख़राब हो गए थे इसके। हमने कहा चलो यार हेयर तो आ ही जाएंगे वक्त के साथ साथ, अब तो छोटी सी कटे नहीं है, बस ये है कि ये ठीक हो जाए जल्दी से, खाना पीना स्टार्ट कर दें। हम लोग बस इसी प्रॉब्लम में थे। डे 2 में इसका फीवर जो है 106 था और डे 3 में जो है 106 ही था। अभी जो है वो डे 4 का मैंने चेक नहीं किया है सही से, मतलब चेक करवाया नहीं है, तो फीवर है लास्ट में तो उसको मोशन वगैरह भी हो रहे थे। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्रे फॉर चेरी।